सरकार से यही अपील करेंगे कि हमारे गुरुजी को सरकार जल्दी से जल्दी बाहर आने दे, और ताकि ये देश और ये दुनिया पूरी राम नाम से जुड़ जाए। जहाँ हर चीज़ आपको फैक्ट के साथ दिखाई जाती है। हम आ चुके हैं डेरा सच्चा सौदा के श्री गंगानगर के नाम चर्चा घर में। आइए जानते हैं कि राजस्थान की संगत की गुरुजी के बारे में कह रही हैं। मैम आपका नाम? मिसेस सिमी अरोड़ा इंसा। सिमी अरोड़ा जी, आपको डेरे में आते हुए कितना टाइम हो गया? मुझे 12-13 साल हो गए थे डेरे में आते हुए। 12-13 साल से डेरे में आ रहे हैं। जब आप एक लड़की थी, अब तब से डेरे में आ रही हैं। क्या डेरे में लड़कियां सुरक्षित हैं? डेरे में लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित हैं जी, बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो मीडिया ने इतने सारे गुरुजी पे आरोप क्यों लगाए? मीडिया देखो जी, हम किसी को कोई क्या सोचता है इस बारे में हम नहीं कह बोल सकते उसको, लेकिन हमने जो देखा है हमारे डेरे में जाकर हमारे गुरुजी के बारे में, बिल्कुल ये सब झूठ है जी। इसमें 1% भी सच नहीं है। हम उनके पास भी नहीं जा सकते जी। गुरुजी क्या क्या आपके कार्य करते थे? गुरुजी इस टाइम हमारे 135 मानवता भलाई के कार्य जोरों शोरों से चल रहे हैं। बेशक आप गुरुजी वहाँ पर सुनारिया में हैं, लेकिन वो कार्य बहुत ही बढ़ चढ़ कर चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी शिक्षा दी है अपने सेवादारों को कि कोई भी काम में संगत भाग भाग कर कर रही है, जैसे पहले करती उससे भी बढ़ चढ़ करके कर रही है। क्या ज़रूरत है गुरुजी की हमारे समाज को? अगर स्वच्छ समाज बनाना है और राम नाम से जोड़ना है, तो इसके लिए हमारे गुरुजी की आज बेहद ज़रूरत है जी, बेहद ज़रूरत है, और इससे भी कहीं आगे बढ़ेगा हमारा समाज। सरकार को क्या अपील करेंगे मैम आप? सरकार से यही अपील करेंगे कि हमारे गुरुजी को सरकार जल्दी से जल्दी बाहर आने दे, और ताकि ये देश और ये दुनिया पूरी राम नाम से जुड़ जाए। धन्यवाद सिमी जी। हमारे साथ श्री गंगानगर से सिमी जी जुड़े थे, जो करीबन 13 साल से डेरे में आ रहे हैं, और इनकी यही अपील है कि समाज इनके गुरुजी को जल्दी से जल्दी रिहा करे, ताकि गुरुजी के आने के बाद वेलफेयर वर्क और भी तेज़ी से आगे बढ़ सके। जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।